ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार जो 3 दिन हैं वो गर्भ धारण करने के लिए शुभ नहीं होता है। वो कौन कौन से दिन हैं हम आपको बताने वाले हैं, पर पहले हम आपको शॉर्ट में बता दें कि हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में एक संस्कार है गर्भ धारण करना, जिसमें शास्त्रों में बताए गए नियम के अनुसार धर्म पत्नी और पति अपनी भावी पीढ़ी के आगमन की योजना मिलकर बनाते हैं। शास्त्रों में गर्भधारण संस्कार में मुंडन, उपनयन, विवाह की तरह ही तिथि और मुहूर्त का ध्यान रखने की बात कही गई है, क्योंकि गलत मुहूर्त, दिन और तिथि में गर्भधारण से उत्पन्न संतान परिवार एवं माता पिता के लिए कष्ट का कारण हो सकते हैं। शास्त्रों में इसके लिए कई तिथियों एवं मुहूर्त का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि जब गर्भ धारण किया जाए तो ये देख लेना चाहिए कि वो शुभ दिन है या अशुभ दिन है, वो काफी मायने रखता है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार का दिन गर्भ धारण संस्कार के लिए शुभ नहीं होता है, क्योंकि इस दिन का स्वामी क्रूर ग्रह मंगल होता है। इस दिन गर्भ धारण करने का मतलब है कि आने वाली संतान क्रूर और हिंसक प्रवृत्ति का हो सकता है। फिर शनिवार का दिन भी शास्त्रों के नियमानुसार गर्भ धारण के लिए शुभ नहीं होता है। इस दिन का स्वामी ग्रह शनि शनिदेव जी हैं, तो होने वाली संतान को निराशावादी और शारीरिक विकार ये दे सकते हैं। रविवार का दिन भी गर्भ धारण के लिए शास्त्र सम्मत नहीं है। रविवार के दिन के स्वामी संसार की आत्मा माने जाने वाले सूर्यदेव हैं, यह सूर्यदेव की आराधना का दिन, तो इस दिन भी उपयुक्त दिन नहीं है गर्भधारण के लिए। तो ये 3 दिन है जो उपयुक्त नहीं है। अभी गर्भधारण के लिए जो शुभ दिन है वो है सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार ये माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये चारों शुभ ग्रह से संबंधित होने के लिए संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को अगर इस दिन गर्भधारण करते हैं तो ये शुभ फल देते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।